जम्मू के धान का कटोरा कहे जाने वाले क्षेत्र आरएसपुरा के किसान पिछले सप्ताह हुई भारी ओलावृष्टि की वजह से खड़ी फसल का नुकसान होने के बाद संकट में आ गए हैं। बासमती चावल उत्पादन के लिए यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। इस प्राकृतिक आपदा के 3 दिन के बाद भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अभी तक नुकसान के मुआवजे की घोषणा नहीं की है। राजस्व अधिकारी अभी भी धान को हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। जम्मू के अलावा ओलावृष्टि ने सांबा और कठुआ जिलों में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। इस बीच राजनीतिक सियासी गलियों में सियासत शुरू हो गई है और पूर्व मंत्री मनोहर लाल शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कठुआ के उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता के अनुसार यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार उन किसानों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है जिनकी खड़ी फसल जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश और ओलावृष्टि से नष्ट हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।